उसी समय अंत में नतीजा ये हुआ है दूल्हा बनकर के चला है सस्पाल दंत वक्र को साथ में लेकर के फौज को साथ में लेकर के जब चंदेरी में पहुंच गया चंदेरी से कुंदनपुर में गया है भीष्मक दुखी हुए रुकम ने सुना बड़ा खुश कार्यकर्ताओं से आवाज लगाई सुनो बहनों साले साहब बारात लेकर के आ गए हैं बारात की सेवा करो दूल्हा की सेवा करो कोई कसर नहीं रह जाए बड़ा आदमी है छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है शादी करना मुश्किल हो जाएगा और इधर रुक्मिणी ने सुना है मेरे और कन्हैया के बीच में भैया दीवार बन गया तो वो वज्र सा प्रहार हुआ है जिसे महाराज भीष्मक की पुत्री सहन नहीं कर पाई और भगवान कृष्ण को याद करती हुई रुक्मिणी बोली दीन बंधु भगवान कन्हैया को याद करके रुक्मिणी रो रही थी उसी जगह एक